वेलकम एवरीवन, गोपाल दिस साइड। और आज हम आए पुणे के मामोडी लोकेशन में आपके लिए लेकर एक प्रीमियम एंड हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट, जिसमें आपको 1 BHK, 2 BHK को 3 BHK के वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट के लोकेशन की बात करें तो आपको यहाँ से सिर्फ मुकाई चौक रावत 5 मिनट के डिस्टेंस पे देखने को मिल जाता है। उसके साथ में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देखा जाए तो 2 साइड कनेक्टिविटी आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। फर्स्ट आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से एंड सेकेंड आपको ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। एंड इस लोकेशन के नियर बाय में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे स्कूल एंड कॉलेजेस के ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ में डेली नीड्स के लिए यहाँ पे बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि इसी डेवलपर की तरफ से बनाया जा रहा है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन है तो यहाँ से आपको MCA स्टेडियम मिल जाता है सिर्फ 2 मिनट्स की डिस्टेंस पे। अगर देखा जाए तो आपको यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पे ये स्टेडियम देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में जान लेते हैं और इसलिए जो 3 BHK के शो फ्लैट का भी आज हम रिव्यू करने वाले, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी हम प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में जान लेते हैं। 7.9 एकर्स के लैंड पार्सल में इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें आपको 6 हाई राइजेस टावर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम टावर की हाइट की बात करें तो G+22 ये सारे टावर इसमें आपको देने वाले हैं। साथ में यहाँ पे आपको अलग से 6 फ्लोर की पार्किंग के लिए अलग से स्पेस इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ में यहाँ पे आपको 30+ मॉडर्न एंड लाइविश एमिनिटीज रहने वाली, जो कि ऑल एज ग्रुप के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जिसमें आपको अगर देखा जाए तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड लेवल पर, पोडियम लेवल पर एंड थर्ड आपको इसमें रूफटॉप पर भी ये सारी एमिनिटीज इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो गाइस, क्विकली हम प्राइसिंग और साइजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 BHK मिल जाता है 501 स्क्वायर फीट में, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 48 लाख ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। एंड 2 BHK में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 2 वेरियंट 747 स्क्वायर फीट एंड 762 स्क्वायर फीट, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 75 लाख ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। एंड 3 BHK में आपको यहाँ पे मिल जाता है 1 वेरियंट, जिसका कारपेट साइज है 947 स्क्वायर फीट, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 95 लाख ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। तो आइए हम 3 BHK की शो फ्लैट का टूर कर लेते हैं, जिसका कारपेट साइज रहने वाला है 947 स्क्वायर फीट। सो गाइस, 947 स्क्वायर फीट की शो फ्लैट का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है स्पेशियस एंट्रेंस लॉबी के साथ साथ आपको काफी अच्छी डबल लोमिनेटेड डोर्स प्रोवाइड की जाती है, जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ये रहने वाले आपकी एंट्रेंस लॉबी, इसकी साइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके साथ में जैसे आप एंट्रेंस लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्पेशियस लिविंग रूम। सो काफी अच्छा आपको ये लिविंग रूम देखने को मिल जाता है। इसके जस्ट पास में आपको डाइनिंग सेक्शन रहने वाला है, इसके ऑपोजिट में आपको किचन सेक्शन रहने वाला है। ये आपको लिविंग रूम देखे तो काफी स्पेशियस है, इसकी साइज भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अगर हम अरेंजमेंट देखें तो काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट आप इसमें कर सकते हैं। आपका एल शेप का सोफा का आप इसमें अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके साथ में 6 सीटर हो, 8 सीटर हो या फिर 10 सीटर में भी आप इसका कन्वर्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा एम्पल स्पेस इसमें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको राउंडेड सेंट्रल टेबल भी आप इसमें लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा एम्पल स्पेस इसमें मिल जाता है। एंड इसके जस्ट फ्रंट में आपको टेलीविजन के लिए भी स्पेस मिल जाता है, आपने अपने जो टेलीविजन है इसमें लगा सकते हैं। डेडिकेटेडली स्विचेस भी इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्पेस रहने वाला है लिविंग रूम। एंड इसको अटैच आपको एक बालकनी मिल जाती है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्लाइडिंग डोर्स, नॉइस कैंसिलेशन डोर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। आपकी बड़ी सी बालकनी रहने वाली है, 3 साइड से कवर अगर देखा जाए तो इसमें आपको प्राइवेसी भी रहने वाली है। आयरन की ग्रिल्स मिलने वाली है, नीचे आपको वुडन फ्लोरिंग मिलने वाली है। यहाँ पे आपको अलग से प्लांटेशन के लिए स्पेस मिल जाता है, तो आप अगर आप प्लांटेशन करना चाहेंगे तो आप अपना प्लांटेशन इस तरफ कर सकते हो, अलग से आपकी बालकनी रह जाती है। यहाँ पे आप अपना टेबल और चेयर भी आप इसमें लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी आपको इसमें बालकनी रहने वाली है लिविंग रूम को अटैच। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, सो हम अभी किचन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको किचन मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस रहने वाला है। एंड उसके साथ में आपको यहाँ पे फुली डनअप किचन मिलने वाला है और फुली मॉड्यूलर किचन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ये जो किचन है आपको प्रॉपरली वास्तु कंप्लाइंट ही मिलने वाला है, प्रॉपरली एल शेप का आपको प्लेटफॉर्म रहने वाला है आपका मेन। यहाँ पे आपको सर्विस प्लेटफॉर्म रहने वाला है, इस तरफ आप अपने जो है रेफ्रिजरेटर लगा सकते हैं डबल डोर का। यहाँ पे आपको माइक्रोवेव मिक्सर ग्राइंडर के लिए भी स्विचेस प्रोवाइड किए जाते हैं, आपका मेन प्लेटफॉर्म रहने वाला है। लोअर कैबिनेट्स भी एज इट इज इसमें रहने वाला है। यहाँ पे आपको सर्विस प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जेकोर के टैप के साथ में एक सिंक भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको अलग से यूटिलिटी एरिया रहने वाला है डोर्स के साथ में, वेंटिलेशन के लिए भी विंडो मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस है। एंड यहाँ पे आपको जेकोर के टैप के साथ में अच्छी सी यूटिलिटी एरिया इसमें आपको देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस यूटिलाइजेशन आप इसमें कर सकते हैं।
एंड इसके जस्ट ऑपोजिट में आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका डाइनिंग सेक्शन। सो गाइस आप इसमें देख सकते हैं 4 सीटर का डाइनिंग सेक्शन आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप इसमें 6 सीटर का भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्पेस रहने वाला है। अगर हम लिविंग और डाइनिंग के देखें तो काफ़ी अच्छा एम्पल स्पेस मिलने वाला है आपकी मूवमेंट के लिए, कहीं पर भी आपको कंजेस्टेड नहीं लगने वाला है ये पूरा का पूरा लिविंग और डाइनिंग रूम। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको एक लॉक मिल जाता है इन्वर्टर बैटरीज के लिए। अगर आप इसका यूटिलाइजेशन अलग पर्पज से करना चाहेंगे तो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सा लॉक मिल रहेगा आपको। यहाँ से स्टार्ट होता है मास्टर बेडरूम को, आपको लॉक एंड होता है, तो काफ़ी अच्छा बड़ा लॉक आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, मेरे लेफ्ट में आपको मिल जाता है आपका बेडरूम नंबर 1। इसको एज आप किड्स रूम भी प्लान कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी साइज में मिलने वाला है, आप इसमें देख सकते हैं। सनलाइट एयर वेंटिलेशन के लिए भी आपको इसमें विंडो मिलने वाली है, नीचे की फिक्स एंड ऊपर की मूवेबल विंडो रहने वाली है। उसके साथ में आपको यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए भी विंडो है, यहाँ पे आपको क्रॉस वेंटिलेशन इसमें बना रहेगा आपके रूम में, तो विंडो काफ़ी अच्छी आपको इसमें मिल जाती है। उसके साथ में आप अपना बड़ा सा बेड लगाना चाहते हो लगा सकते हो, या फिर सिंगल बेड लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टडी जोन बना सकते हैं, यहाँ पे अपना वार्डरोब के लिए भी अलग से स्पेस मिल जाता है, तो आप अपना वार्डरोब भी लगा सकते हैं, स्टडी जोन भी बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये बेडरूम आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसके जस्ट फ्रंट में आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, इस तरफ आइए। सो गाइस आप देख सकते हैं जेगुआर एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड की फिटिंग के साथ में पूरा आपको वॉशरूम मिल जाता है, कॉमन वॉशरूम। ड्राई एरिया एंड वेट एरिया सेपरेट इसमें देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका बेथिंग स्पेस रहेगा, आपका कमोड एंड आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका एक सिंक, प्रॉपरली ब्रांडेड फिटेड अमेरिका स्टैंडर्ड की इसमें आपको रहने वाली है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका बेडरूम नंबर 2 जो कि मेरे राइट में मिल जाता है, आइए इस तरफ। सो गाइस आप देख सकते हैं इसको आप एज पेरेंट्स रूम प्लान कर सकते हैं, काफी बड़ा आपको ये बेडरूम देखने को मिल जाता है, इस तरह आप अपना बेड इसमें लगा सकते हैं। इसके जस्ट फ्रंट में आपको टेलीविजन के लिए स्पेस मिल जाता है, अपनी बड़ी सी टेलीविजन आप इसमें लगा सकते हैं, स्विचेस के लिए भी आपको अच्छा सा स्पेस भी इसमें देखने को मिल जाता है। साथ में आपको अगर देखा जाए तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए भी विंडो है, ये आपकी मेन विंडो रहने वाली है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, वहाँ पे भी आपको एक विंडो इसमें देखने को मिल जाती है। नीचे आपको फिक्स मिलेगी, ऊपर की मूवेबल विंडो मिलने वाली है विथ मस्किटो मॉश के साथ में। सो काफ़ी अच्छा ये बेडरूम आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए भी स्पेस मिलेगा, अगर आप अपना वार्डरोब लगाना चाहते हैं तो आप अपना वार्डरोब भी इसमें लगा सकते हैं, यानी कि बेड वार्डरोब में अच्छा एम्पल स्पेस रहने वाला है, मूवमेंट काफ़ी अच्छी है आप इस रूम में कर सकते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाती है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, उसके साथ में इसको अटैच एक वॉशरूम आपको इसमें मिल जाता है, इस तरफ आप देखें, तो ये रहने वाला है आपका वॉशरूम, वॉशरूम नंबर 2। एंड उसके साथ में देखा जाए तो ड्राई एरिया वेट एरिया इसमें सेपरेट किया गया है, और एक वॉशरूम में जो टाइल्स कॉम्बिनेशन है अलग से, ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, आपका बेथिंग स्पेस, कमोड स्पेस, यहाँ पे आपको सिंक मिल जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड की ब्रांडेड फिटिंग के साथ में, तो काफ़ी अच्छा स्पेस यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, कहीं पर भी आपको वेस्टर्न स्पेस नहीं मिलने वाला है। तो आइए हम बढ़ते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। सो गाइस ये रहने वाला है आपका स्पेशियस एंड स्पेशियस मास्टर बेडरूम, इसकी साइज भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, काफी बड़ा मास्टर बेडरूम रहने वाला है, इसको आप चाहे कैसे भी प्लान कर सकते हैं, किंग साइज का बेड आप इसमें लगा सकते हैं, तो काफी अच्छा स्पेस रहेगा। उसके साथ में इसके जस्ट फ्रंट में आप टेलीविजन भी लगा सकते हैं, स्विचेस भी आपको इसमें मिल जाते हैं, यहाँ पे आप छोटा सा अगर टेबल लगाना चाहे तो आप इसमें टेबल भी लगा सकते हैं, अलग से एम्पल स्पेस मिल जाता है, यानी कि टेलीविजन स्पेस बेड भी आपको आराम से यहाँ पे मिल जाता है। उसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए भी स्पेस मिल जाता है, अगर आप बड़ा वार्डरोब लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर छोटा सा लगाना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप इसमें लगा सकते हैं, तो काफ़ी जो वार्डरोब के लिए स्पेस है, यहाँ पे आपको बेड के लिए स्पेस मिल जाता है, यानी कि एम्पल मूवमेंट के लिए आपको बेडरूम इसमें देखने को मिल जाता है। एंड इसको अटैच आपको एक बालकनी भी मिल जाती है, इस तरफ देखा जाए तो स्लाइडिंग डोर्स के साथ में ये बड़ी सी बालकनी रहने वाली है विथ नॉइस कैंसिलेशन विंडोज के साथ में। अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बालकनी रहेगी वुडन फ्लोरिंग के साथ में, आयरन ग्रिल भी आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है, एंड आपकी प्राइवेसी के लिए 3 साइड कवर रहेगी। यहाँ पे आपको प्लांटेशन के लिए भी स्पेस मिल जाता है, अपना प्लांटेशन आप इसमें कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बालकनी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है, इस तरफ अगर देखा जाए तो आपको विंडो मिलने वाली, कहीं पर भी आपको कंजेस्टेड नहीं लगेगा,
कहीं पर भी आपको एयर सनलाइट की इसमें कमी नहीं होने वाली, क्योंकि आपको हर जगह पे हर रूम में प्रॉपरली इसमें आपको विंडो मिलने वाली, सनलाइट एयर वेंटिलेशन आपके हर एक रूम में बना रहेगा। उसके साथ में मास्टर बेडरूम को अटैच आपको यहाँ पे मिल जाती है एक मास्टर वॉशरूम। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी स्पेशियस आपको ये वॉशरूम इसमें देखने को मिल जाता है। ये आपका बेथिंग कमोड एंड यहाँ पे आपको सिंक मिल जाता है। ड्राई एरिया वेट एरिया सेपरेटली इसमें आपको देखने को मिल जाता है। सनलाइट के लिए भी आपको इसमें विंडो रहेगी, वेंटिलेशन भी काफी अच्छा बना रहेगा। उसके साथ में इसके जो ऊपर आपको फॉल सीलिंग भी मिल जाती है, तो काफी अच्छा वॉशरूम रहने वाला है। अगर देखा जाए तो तीनों वॉशरूम में अलग अलग टाइल कॉम्बिनेशन का इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बढ़ते हम लिविंग रूम की तरफ। अभी देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में चल रहा है फुली फर्निश्ड फ्लैट का ऑफर, यानी कि अगर आप अर्ली बर्ड ऑफर लेते हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 50 होम बायर्स को मिलने वाला है फुली फर्निश्ड फ्लैट 2 and 3 BHK में। अगर इस प्रोजेक्ट का पोजीशन देखा जाए तो मार्च 2027 का इसमें आपको पोजीशन रहने वाला है और कंस्ट्रक्शन रहने वाला है माइवन कंस्ट्रक्शन, इसमें आपको लोग प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाता है। तो प्रोजेक्ट काफी अच्छा है। अगर आप इस प्रोजेक्ट पे विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट की ब्रोचर कॉस्ट शीट और लेआउट की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसके थ्रू भी आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गोपाल चौधरी साइनिंग ऑफ। Oh,